नमस्कार, ये घंटियों की आवाज़ आप जो सुन रहे हैं, हम पहुँचे हैं लखवीर सिंह लखा जी के घर पर। भक्ति द्वार की टीम वहाँ पहुँच चुकी है, उनको प्रणाम करेंगे, उनको वंदन करेंगे और हम चलेंगे उनके पास उनको मिलने। एक खास मुलाकात लखवीर सिंह लखा जी के साथ सिर्फ और सिर्फ भक्ति द्वार टेलीविज़न पर। भक्ति द्वार टेलीविज़न, भक्ति द्वार, जीवन का सार। सुर सम्राट, हमारे सबके चहिते, सबके प्यारे और चिरपरिचित सुप्रसिद्ध भजन सम्राट लखवीर सिंह लखा जी, भक्ति द्वार टेलीविजन की तरफ से हम आपका बहुत 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 स्वागत करते हैं। जय माता दी। 16 जून 2018 को ब्लू हॉर्स सिनेमा का जो कार्यालय है, उद्घाटन जो था वो आपके करकमलों से हुआ, इसलिए ब्लू हॉर्स सिनेमा की पूरी टीम आपकी आभारी है। ब्लू हॉर्स सिनेमा के माध्यम से एक प्रस्ताव रखा गया जी। बने बरबरी खाटू श्याम कैसे कैसे, इस प्रस्ताव को आपने स्वीकार किया, इसलिए ब्लू हॉर्स सिनेमा की जो पूरी टीम है वो हमेशा आपकी आभारी रहेगी। आपका अभिवादन करते हुए कुछ प्रश्न पूछने की जिज्ञासा है, तो मैं अनुमति चाहता हूँ। sure. आपके जमशेदपुर में थे, उस बारे में, उस बचपन के बारे में कुछ हमें बताइए। मेरा बचपन बड़ा खुशगवार था, स्कूल जाना और फिर आके 5-7 दोस्तों को इकट्ठा कर लेना। हमारे नाना जी कीर्तन करते थे, उनका हारमोनियम घर पे पड़ा रहता था, तबला भी। मार तो बहुत पड़ती थी बाद में, पर कोशिश करते उसको खोल खाल के हम लोग अपने हिसाब से बजाते थे, गाते थे। और अचानक कहीं नाना जी या मामा जी कोई आ गए तो फिर क्यों खोला, किसने खोला, बहुत पड़ती थी। बचपन बड़ा अच्छा बीता, स्कूल लाइफ से ही शुरू हुआ। श्री कलगीधर मिडिल स्कूल था जहाँ बचपन, मिडिल स्कूल तक मैं पढ़ा। और तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। लता जी ने बहुत सुंदर गाया था उस भजन, ये प्रार्थना थी, इसे मैं प्रार्थना करता था। मेरे पीछे बच्चे सारे मुझको फॉलो करते थे। तो मिडिल स्कूल से शुरुआत हुई मेरी। फिर मैट्रिक में अध्यापकों की नज़र मुझ पर पड़ी। एक दिन टिफिन में मैं ऐसे ही बेंच बजा के गा रहा था, तो उधर से हमारे मास्टर मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मिस्टर बीएन सिंह क्रॉस किए, तो वो आवाज़ सुन के वो अंदर आए और मैं बहुत डर गया कि अब बहुत मार पड़ेगी। पर उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं नहीं सुनाओ, तुम, मैं सुनना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे सुना, तो ये कोई 71-72 की बात है, सुना। और सरस्वती पूजा पे स्कूल में कार्यक्रम होता था, उसमें मुझको उन्होंने अपनी तरफ से पेश किया, हमारे क्लास टीचर थे वो, तो मैंने गाया मेरा रंग दे बसंती चोला। जो उस समय स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा, मास्टर्स प्रिंसिपल साहब को बहुत अच्छा लगा। और आरडी टाटा हायर सेकेंडरी स्कूल टाटा कंपनी, उसमें मैं मैट्रिक तक, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई पढ़ाई लिखाई में, पढ़ता भी रहा गाता भी रहा। मैट्रिक के बाद मेरा इतना नाम हो गया बिहार बंगाल उड़ीसा, क्योंकि जमशेदपुर मेरा नेटिव पैलेस है, वहीं मेरा जन्म हुआ। कलकत्ता पास में था, भद्रक कटक उड़ीसा पुरी, यहाँ तक उधर असम, एमपी तक आया मैं। 78 में मैं कांवड़िया संघ जमशेदपुर, मारवाड़ी समाज था उसका ग्रुप था, वो हर साल भोले शंकर को जल चढ़ाते थे सावन में। एक बार मैं भी चला गया उनके साथ में, और ऐसी महादेव की कृपा हुई कि मैंने कंटिन्यू 9 साल कांवड़ चढ़ाई पैदल। ये मैं समझता हूँ उसी का फल मुझे मिला और माता पिता का आशीर्वाद रहा। फिर आगे भजनों की शुरुआत हुई, ऑर्केस्ट्रा में मैंने बहुत गाया, पर 28 के बाद सब छूट गया। तो आप जहाँ रहते थे, एक तरफ गुरुद्वारा था, एक तरफ राधे कृष्ण का मंदिर था, तो उसी का प्रभाव है कि
कि आपको भजन के प्रति इतनी चाह? सुबह में क्या था कि जब सुबह उठते थे तो गुरुद्वारा दाहिनी ओर था, तो वहाँ तो जाना ही जाना था, और शाम के समय जब घर से निकलते थे बाज़ार की तरफ, तो घर से निकलते ही राधे कृष्ण का मंदिर था, वहाँ हाजिरी लग जाती थी, कभी कभी भजन भी गाए जाते थे, गुरुद्वारा में शब्द कीर्तन भी होता था। ये सिलसिला करीब 90 तक चला, 1991 तक। 93 में फिर मेरी टी सीरीज वालों ने मुझे बुलाया, दर्शन कुमार जी ने, गुलशन कुमार जी के छोटे भाई, और उन्होंने दिल्ली में बाबा श्याम की पहली एल्बम उन्होंने रिलीज़ की, और फिर मेरी गुलशन जी से मुलाकात 95 में हुई। तो 95 उन्होंने बॉम्बे ऑफर किया, और यहाँ मैया का चोला है रंगला, वो उन्होंने अपनी देख रेख में करवाया, जो भक्तों ने बहुत पसंद किया और अच्छा मुझे आशीर्वाद मिला। बस फिर वो गुलशन कुमार जी की कृपा रही, मैया का चोला, माता के बहुत बहुत सारी एल्बम्स मैंने उनकी देख रेख में गाई, और भी बहुत जगह से ऑफर्स आई, पर मैं टी सीरीज़ के साथ जुड़ा रहा और आज तक जुड़ा हूँ। हमारा सवाल ये भी रहा कि गुलशन कुमार जी के साथ आपका जो वक्त बीता, किस तरह का अनुभव उनका एक अलग से आपको मिला, अनुभव जानने को मिला? गुलशन कुमार जी की वजह से ही आज जो भजन हम लोग घर घर सुन रहे हैं, गाँवों में सुन रहे हैं, देहातों में सुन रहे हैं, ये उनकी कृपा रही, और मेरी नज़र में वो एक युग पुरुष रहे, क्योंकि आज से 30-35 साल पहले भजन सुने जाते थे बहुत कम, फिल्मों में एक आध भजन कोई होता ही था, और उसके बाद तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, पर गुलशन कुमार जी ने उन्हें घर घर पहुँचाया और धर्म का प्रचार किया, ये नहीं केवल सनातन धर्म का प्रचार किया, गुरुवाणी के शब्द उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों से, रागियों से कीर्तन करवा के दुनिया को दिखाया, कवालियाँ बहुत उन्होंने रिकॉर्ड करवाई और अच्छे अच्छे कवालों से रिकॉर्ड करा के दुनिया को सुनाया, यानी वो एक युग पुरुष थे, और उनका बड़ा मेरे से बहुत प्रेम रहा जब तक मैं यहाँ रहा मुंबई में उनकी देखरेख में, और फिर उनके देहांत के बाद मैं वापस चला गया, पर फिर उनके परिवार ने मुझे यहाँ बुला लिया, मेरी टाटा स्टील की जॉब थी, मैं फिर वहाँ लॉन्ग एब्सेंट में मैं डिस्चार्ज भी हुआ, और फिर यहाँ जब सेट हो गया फिर उसके बाद तो वापस जाने का फिर पता है कोई समय नहीं मिला, और ना ही इच्छा की जाने की, क्योंकि ये धरती जो महाराष्ट्र की धरती है, ये कला की धरती है, और यहाँ टैलेंट जो भी होगा वो इस धरती में समा जाएगा, जिसमें टैलेंट होगा। मेरे पास टैलेंट था कि भगवान जाने क्या था, लोगों को अच्छा लगा और मैं यहीं बस गया। तो भजनों के अलावा और भी मौके मिले आपको, लेकिन आपने भजनों को ही चुना? असल में मेरा परिवार जो है पूरा धार्मिक रहा, और गुरुद्वारा से बहुत बचपन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और जैसे जैसे समझ आती गई तो भगवान कृष्ण से मेरा बहुत प्रेम रहा शुरू से ही, मैं बताया ना आपको राधे कृष्ण का मंदिर था, और बस अच्छे संस्कार मिले, गाया तो मैंने बहुत कुछ है पर भजन गाने से मेरे को आत्मिक शांति मिली, तो मैंने इसीलिए इसको चुना। वैसे गाया मैंने सब कुछ है, फिल्मों में गाया, फिल्मी गाने गाए, कवालियाँ गाईं, गज़लें गाईं, भोजपुरी गाने गाए, बंगला गाने गाए, उड़िया गाए, पर अब क्या है कि भजन में मेरे को अच्छा लगता है, शुरू से अच्छा लगता था। तो भोजपुरी का आपने जिक्र किया, तो भोजपुरी गानों में उसकी जो लहजा है पकड़ने में, वो उसका भजन है, उसका अनुभव कैसा रहा आपका? वो उस समय बिहार था जमशेदपुर, अब झारखंड तो अब बना, और बिहार में क्या है कि हमारे साथ जितने भी काम करने वाले थे हमारे साथी सब बिहार के ही थे, और भोजपुरी में ही बात होती थी, और आस्ते 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 फिर ऐसे ही है, फिर वो जबान पे चढ़ गई, अभी भी लोग मुझे बिहारी सरदार कहते हैं कहीं जाता तो बोलते हैं कि आप तो एकदम भोजपुरी पे पूरा कंट्रोल है आपका, तो होते होते होता है, और बंगाल भी हमसे ज़्यादा दूर नहीं था जमशेदपुर से, बंगला भजन भी मैंने गाए माता जी के, श्यामा संगीत, अब बंगाली भी कुछ कुछ समझ लेते हैं, कुछ कुछ बोल लेते हैं। मैं ये सवाल मेरा ये भी आपको है कि श्री खाटू श्याम बाबा की जो कृपा आप पे रही उसके बारे में भी हमें बताइए। देखिए मैंने आपको पहले जिक्र किया कि वहाँ मारवाड़ी समाज के साथ हम
78 में सावन में गए और लोगों ने मुझको अच्छा रिस्पांस दिया। जो कांवड़ लेके जाते हुए हम लोग गाते थे तो लोग इकट्ठे होकर सुनते थे, गाते थे साथ में। 79 में वो मारवाड़ी समाज जो है वो खाटू आते थे वो लोग, तो मेरे को भी उन्होंने ऑफ़र किया तो मैं चल पड़ा उनके साथ में। 79 में मैं पहली बार खाटू गया और ज़्यादा प्रचार मेरा वहीं से हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत बाबा की कृपा बरसी। 79 में पहली बार गया और आज तक जा रहा हूँ। और श्याम, खाटू श्याम जी के दर्शन करके और फिर हम सालासर गए, बालाजी महाराज की कृपा हुई, माता की कृपा बाद में हुई, क्योंकि शुरुआत भोलेनाथ जी के दरबार से हुई। श्याम बाबा से प्रचार मिला, बजरंग बली भजन का दर्शन हुए, उनके भजन गाए गए। माता के जो भजन है वो 95 में रिलीज़ हुई, तो जब बहुत ज़्यादा नाम भी मिला, प्रसिद्धि, मतलब ये सब कुछ मिला। एक सिनेमा भी आपका आ रहा है माता के ऊपर, वो सिनेमा के बारे में बताइए आप। वो माँ पूर्णागिरी का स्थान है इधर उत्तराखंड में, टनकपुर स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, और टनकपुर में थोड़ी दूर पर पहाड़ी है, पहाड़ है काफ़ी बड़ा, उस तरफ नेपाल है, बीच में शारदा नदी है, और ये पहाड़ की चोटी पे माता का दरबार है, माँ पूर्णागिरी। और माँ, जैसे मैंने दर्शन किए तो मुझे पता चला कि यहाँ माता जी की नाभि गिरी है, यहाँ पहाड़ की चोटी पर जो सीधी वहाँ गड्ढा, खूब बड़ा गड्ढा है, वो भी देखा मैंने, तो मैं अच्छा लगा मेरे को। फिर कुछ लोगों ने जो वहाँ के रहने वाले थे उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग माँ पूर्णागिरी पे कोई फिल्म बनाना चाहते हैं, सामाजिक फिल्म, धार्मिक फिल्म, जो सब देख सके। तो मैंने उनको बहुत अपनी तरफ से कहा कि भाई धार्मिक फिल्मों का तो अब चलन ही नहीं है, लोग देखते ही नहीं हैं धार्मिक फिल्में, पर चलिए फिर भी माँ की जैसी कृपा रहेगी तो फिल्म को हम लोगों ने बनाया। उसमें मेरा छोटा बेटा लीड एक्टर में है, राजदीप गिल, गजेंद्र जी चौहान हैं, जयश्री टी जी हैं, और धार्मिक फिल्म है वो, कि लोगों का प्रेम ईश्वर के प्रति और बढ़े, माँ के चरणों से जुड़े। वो 2 घंटे 10 मिनट की फिल्म है और उसमें मैंने भी कुछ रोल किया है, एक माता जी का जागरण का पूरा भजन मेरे पर शूट किया गया है, और एक सूफी गाने। और इसमें बड़ी बात है कि मेरी बेटी ने भी गाया है, मेरे बड़े बेटे ने भी गाया है, साधना सरगम जी ने गाया है, और अच्छी फिल्म बन गई है। अब आगे माँ के भक्तों को कैसी लगती है ये तो देख के पता चलेगा। पहले तो भक्ति द्वार जो चैनल आप देख रहे हैं, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इसलिए कि धर्म का प्रचार केवल तन मन धन से ही नहीं होता, उसका टीवी के द्वारा या कैमरे के द्वारा दूर दूर तक प्रचार करना ये भी सेवा है। और भक्ति द्वार के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह हिंदुस्तान ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी जो जन समुदाय अपना बैठा हुआ भारतीय, उन पर ये उन तक पहुंचाया जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा धर्म से जुड़ें और अच्छा अनुभव करें, क्योंकि ईश्वर की होन तो है ही। तो भक्ति द्वार के द्वारा और भी चैनल्स हैं, भक्ति द्वार के इस चैनल के द्वारा मैं भी कभी कभी आपके दर्शन किया करूँगा, और आपसे मेरी ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भक्ति द्वार ज़रूर देखें और मेरी फिल्म भी देखें, उसे प्रेजेंट मैंने ही किया है, माँ पूर्णागिरी। इस भागदौड़ की जीवन में, इस पूरी श्रृंखला में भजन और अध्यात्म को लेके लोग थोड़े ध्यान नहीं दे पा रहे, लेकिन उसमें उनका नुकसान भी बहुत हो रहा है, तो इस तरह आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या लोगों को कहना चाहेंगे? देखिए, भजन तो गाना बहुत खुशनसीबी है, सुनना भी है, और जितने भी मैं भक्ति द्वार के दर्शक जो देख रहे हैं, मैं आपसे भी अभी यही प्रार्थना करूंगा, मैं और भी प्रार्थना करते रहता हूं कि हर दिन, चलो कुछ घंटे नहीं, कुछ मिनट नहीं, कुछ सेकंड ज़रूर ईश्वर के चरणों में ध्यान जोड़ना चाहिए। जो भी आपका इष्ट है, जो भी गुरु हैं, गुरु तो बड़ा मुश्किल है इस युग में,
हर कोई गुरु है, तो आपके जो भी इष्ट हैं आप उनके चरणों से 24 सेकंड भी अगर जुड़ेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत है, और ज़रूर सुनवाई होगी, ज़रूर जुड़ना चाहिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा। भक्ति द्वार टेलीविज़न के माध्यम से हम आज श्री लखवीर सिंह लखा जी के आशियाने में आज यहाँ पे उनका आशीर्वाद लेने आए। आज उनसे बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, जानी, और हमारे जीवन में उतारने की हम ज़रूर इसकी कोशिश करेंगे। भक्ति द्वार टेलीविज़न जीवन का सार यही कहता है कि जल्द से जल्द जुड़िए अध्यात्म से, श्रद्धा से, भगवान से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। भक्ति द्वार, जीवन का सार।